हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सालिम पाठशाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पशु परिचय परीक्षा 2024 की तैयारी के सब्जेक्ट मैथ, और मैथ में पढ़ेंगे दोस्तों आज हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, यानी कि समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल से संबंधित सवाल आपको एग्जाम में, यानी कि विभिन्न प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उन सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है, आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि स्पीड क्या होता है, यानी कि चाल क्या होती है। तो चाल किसे कहा जाता है दोस्तों? किसी निश्चित समय में किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। कोई गतिशील वस्तु है और वो एक निश्चित समय के अंतराल में कोई दूरी तय करती है, तो उस तय करने की जो है वो क्या है, चाल कहलाती है। उसको चाल को हम गति भी कह सकते हैं, चाल यानी गति भी होती है, या तो आप इसको चाल बोलो या गति बोलो, बात एक ही है। तो देखिए, हमें समय, दूरी और चाल यानी कि गति से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो समय ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। और चाल बराबर होता है समय, चाल और दूरी। अब दूरी को अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, चाल गुणा समय होगा, चाल गुणा समय। चाल ज्ञात करने के लिए दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ये तीन सूत्र हैं। इन तीनों सूत्रों के माध्यम से हम दूरी बटा चाल के माध्यम से समय ज्ञात करेंगे, और दूरी बटा समय के माध्यम से चाल ज्ञात करेंगे, और दूरी ज्ञात करने के लिए चाल गुणा समय लगाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से हल होगा। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आपको सवाल दिया जाए कि एक व्यक्ति 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में साइकिल द्वारा तय करता है, साइकिल द्वारा तय करता है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए, चाल या गति ज्ञात कीजिए। कुल दूरी में दिया गया है 55 किलोमीटर और समय दिया है हमें कितना, 5 घंटे। अब हमें ज्ञात करना क्या है, चाल यानी कि गति ज्ञात करना है। तो गति का सूत्र जैसा कि आपको लिखा हुआ है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि 55 किलोमीटर जो आपका डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड करेंगे टाइम से, तो 5 से अगर 55 को हम डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग करते हैं, तो 11 आता है, 11 किलोमीटर। यानी कि एक घंटे में साइकिल के द्वारा वो दूरी तय करता है कितना, 11 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी ज्ञात की थी उसने 5 घंटे में, 55 किलोमीटर। तो आशा करता हूँ इस प्रकार से हम समय भी ज्ञात कर सकते हैं, दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, और चाल भी ज्ञात हम इन सूत्रों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।